ओम सायराम, आप सभी भक्तों को आपके अपने रत्न साई रत्न राजेश का साष्टांग प्रणाम। बाबा की दुआ से, बाबा की असीम कृपा है, आज दुनिया भर में अगर नाम है तो बाबा के नाम से और आप लोगों के प्यार से मिला है। तो कुछ ऐसे ही चमत्कार मैं आप लोगों के सामने आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। हमारे बाबा बहुत दयालु हैं, अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ साईं बाबा के डिवोटी हैं बाबा उनको ही देखते हैं, नहीं, बाबा हर किसी को देखते हैं, पहचानते हैं, उनको मौका देते हैं और उसकी हर पीड़ा को समझकर उसको उसका प्रणाम देते हैं। ऐसे ही कुछ बाबा की दुआ से आपके इस रत्न के ऊपर बाबा का आशीर्वाद है। जब भी मैं बाबा का कुछ नया पोज, नई तस्वीर, नया कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ तो मुझसे बाबा की दुआ से अपने आप कुछ क्षण, चाहे कुछ सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाबा से रूबरू होता हूँ। मैं नहीं होता, बाबा अपने आप रूबरू होके मुझे आशीर्वाद देते हैं और कुछ ना कुछ मुझे उस समय उस वक्त मैं खो चुका होता हूँ, ये सच्चाई है। बाबा ने अभी इन दिनों एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखलाया है। अभी हाल ही में 25 मार्च को मेरा बेटा बड़ा आरुष रतन बीमार था, मतलब सिर्फ एक फीवर था, हल्का फीवर था, बट रात में 3:30 बजे के आसपास उसका वो फीवर, बुखार, ज्वर 103.7 में आके अटक गया, उससे कम नहीं आ रहा था। 103.7 समझ सकते हैं आप कितना ज़्यादा बुखार होता है। वो हम लोगों के हाथ पांव ठंडे हो गए, अब क्या करें, बट फिर भी बाबा का नाम लिया। सबसे पहला काम, थोड़े गुनगुने पानी में थोड़ी सी बाबा की उदी मिलाई, उसको हमने एक गिलास पिलाया और उसके बाद लगातार निरंतर उसको हम पट्टियाँ, गीले पानी की पट्टियाँ करते रहे। लगभग सुबह 5:30-6 बजे तक हमने उसको पट्टियाँ की, पूरे बदन पर उसको पट्टियाँ करते थे, पहले सर पर, कहता कि बुखार सर तक ना चढ़े, सर पे किया, उसके बाद आस्ते आस्ते पूरी बॉडी पे करते थे। इतनी पट्टियाँ करने के बाद तो फीवर नीचे आना चाहिए, बट उसका नहीं आया, उसका 102.8 पे आके अटक गया, उससे नीचे नहीं आ रहा था। कुछ यही सिलसिला 3 दिन लगातार 102, 103 चलता रहा। ये 103.6 और 7 का जो संख्या थी ना, ये लगभग शाम को ही होती थी, 7-8 बजे से लेकर सुबह 5-6 बजे तक, दिन में थोड़ा कम आता था, 102 के आसपास अटक जाता था। ये जहाँ फ़ोन करें पूछे दो डॉक्टर हैं, नहीं है, नहीं है, और जहाँ हैं तो वहाँ जाके किसी से कन्फर्म किया तो वहाँ इतनी भीड़, इतना बुरा हाल कि अपने बेटे को वहाँ लेके जाने की हिम्मत हमारी नहीं हुई। दूसरों को देख के इंसान अपने ऊपर बहुत जल्दी, मैं भी वैसे ही इंसान हूँ, सीधी सी बात कि मैं अपना कोई ऐसा नहीं हूँ, जो मुझे लगा कि इतना भीड़, इतने लोग ऐसे जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारे बेटे को भी ये प्रॉब्लम हो जाए। जब वहाँ खुद जाके एक बार देखा मैंने तो मुझे दिल नहीं माना कि मैं यहाँ उसको लेके आऊँ मैं। पर उससे पहले हमें, हमारा एक अटूट विश्वास था बाबा के ऊपर कि नहीं, कोई बात नहीं, बाबा करेंगे। मेरी पत्नी वर्षा शर्मा, वो बहुत ज़्यादा बाबा में लीन रहती है। मैं तो सिर्फ बाबा की तस्वीर बनाता हूँ, कुछ क्रिएशन करता हूँ, कुछ ना कुछ बाबा से रूबरू इस तरीके से होता हूँ। वो पाठ करने में, बाबा के कसाई चरित्र पढ़ने में, ज्ञानेश्वरी पढ़ने में, इन सब में बहुत ज़्यादा आगे रहती है वो। इस बेटे का बुखार 3 दिन तक नहीं टूटा, जबकि FM पर और हर जगह न्यूज़ में ये आ रहा है कि बुखार ना टूटने का सीधा पहला लक्षण, सिम्टम है कि
कुड बी कोरोना, पर लेकिन मुझे अपने बाबा पे बहुत विश्वास था। तीन दिन जब पट्टियां करते हुए कुछ हल्की पुल की जो मेडिसिन पैरासीटामोल हो गई और दूसरी दो एक मेडिसिन आइब्रोफेन हो गई, ऐसे देते देते हमने कोशिश करते थे कि शायद ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। तीन दिन बाद हमने किसी को बताया तो उसने कहा भाई आप वेट मत कीजिए, इसको आप एडमिट कराओ, वहाँ ले जाइए, चेक करा दीजिए, जब गोल्डन में कहीं पर चेक करा दीजिए ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाइए, कुछ प्रॉब्लम होगी तो दिख जाएगा। पर जब न्यूज़ में यहाँ वहाँ हम देखते थे कि हॉस्पिटलों में कितना बुरा हाल है, पर हमने तब से लेके अभी तक क्रमशः इसको बाबा की उदी माथे पर लगाना और जल में दूध में बाबा की उदी देना बंद नहीं किया। तीसरे दिन जब ये बुखार नहीं उतरा और ज़्यादा टेंशन रही कि शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो, बाबा ने रात स्वप्न में अपने दर्शन दिए, सिर्फ थपथपाते हुए बाबा ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, आराम करो, विश्राम करो, बेटे को आराम करवाओ, मेरी उदी दो, पाठ करो, इसको मैं ठीक करूंगा। ये मेरे बाबा ने जब रात को स्वप्न में मुझे ये बात बोली, मेरा मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे, कुछ लफ्ज नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँगा। उस समय मैं अंदर से कितना प्रसन्न था कि नहीं अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब शायद कोई कोरोना फोना वायरस कुछ नहीं है, जो मेरे बाबा कराएंगे वही सब कराएंगे। बस वही रात, शायद वही रात एक ऐसी भयंकर रात थी बाबा के स्वप्न आने से पहले, और मानो कि रात को 3 बजे के आसपास जब उसको हमने पानी दिया, थोड़ा गुनगुना पानी उदी मिलाकर, उसके अगले ही दिन सुबह 8-9 बजे वो सो के उठा तो वो ऑलमोस्ट 100 डिग्री के आसपास बुखार में ठीक हो चुका था। कहाँ 103, 102 डिग्री, कहाँ 100 डिग्री, बिल्कुल डाउन अप्रोक्सीमेट। हम लोगों के हमें उस समय शायद याद आया कि शायद हमारी गलती है, हम बाबा पे इतना विश्वास रखते हैं पर हमने पाठ नहीं किया। उसी दिन हमने प्रण किया नहीं, आज से घर में हम साप्ताहिक प्राण भी करेंगे, चित्त पाठ भी करेंगे और सब काम, बाकी सब काम भी करेंगे। हमने उसी दिन शुरू किया और सप्ताह के अंदर बाबा का पाठ भी प्रारंभ करके खत्म किया, कल ही खत्म किया है वो। मेरे बाबा ने जब आके मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया और उदी इस प्रकार दी हाथ में कि बस जैसे कि मैं सोए सोए शायद मैं हाथ में उदी लेके अपने बेटे को ग्लास में मिला के दे रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस हुआ अगले दिन। और बस उसके चौथे और पांचवें दिन कैसे निरंतर वो चेंजेस आके आया मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जब चौथे दिन, तीसरे दिन की जब हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, चौथे दिन हमने उसका पहले ये टेस्ट कराया क्योंकि सब लोगों ने हमें बोला कि नहीं आप इससे बेटर टेस्ट करा लीजिए कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो। टेस्ट में ऐसा कुछ नहीं आया जिससे प्रॉब्लम थी, ब्लड लेके गए, सब कुछ चेक किया उन्होंने, बट वो सब चीज़ें नहीं निकली। क्यों? क्योंकि उससे पहले बाबा की उदी ग्रहण कर चुके थे। मेरे बाबा बहुत दयालु हैं, बाबा सबके मन की जानते हैं, कौन बाबा को श्रद्धा और सबूरी श्रद्धा के भाव से बाबा को याद कर रहा है, पहचानता है, बाबा उसको बहुत अच्छे जानते हैं। और यही मेरे बाबा का चमत्कार है कि कुछ दिनों में, 3-4 दिनों में जो कोरोना जैसा लग रहा था, उसको खांसी भी होती थी, 103 बुखार भी था और कपकपी भी होती थी, वो सब चीज़ 3 दिनों के अंदर बाबा की उदी से कैसे खत्म हुआ ये आपके सामने है। ये मेरे बाबा, इनकी आंखें सब बोलती हैं, सब देखती हैं, उनके बच्चे कभी भूखे नहीं रह सकते, कभी परेशान नहीं रह सकते,
ये मेरे बाबा हैं जिनका चमत्कार आपके सामने है।